हेलो चो लेटेट दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द लॉ ऑफ पीरियड, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा केपलर लॉ ऑफ पीरियड जिसके अकॉर्डिंग जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दर्बिट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस या फिर अगर हम लोग अज्यूम करें कि हमारा जो हमारा जो ऑर्बिट है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस की जगह पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा तो ये लॉ ऑफ पीरियड होता है ना इसको हम लोग प्रूव करते हैं इसको डिराइव करते हैं तो हमें पता है कि आ, किसी भी दो मासिस के बीच में जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जो होता है ये जी एम एम अपन डिस्टेंस बिटवीन देम उसका स्क्वायर होता है और सीन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अगर हम लोग अजीम करें कि एक पार्टिकल या फिर एक प्लानट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन की वजह से उसमें एक सेंट्रिपिटल फोर्स होगा जिसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल अगर ये जो प्लैनेट है ये स्टेबल ऑर्बिट में मूव हो रहा है तो उस केस में उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रपिटल फोर्स के इक्वल होगा तो अगर हम लोग दोनों वैल्यूज इक्वेट कर दे यहाँ से हमें मिलेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्व टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो एक आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा g कैपिटल m अपॉन r इक्वस टू वी स्क्वायर अभी हमें पता है ये जो स्पीड है इसको हम लोग लिख सकते हैं सरकम फरंस ऑफ सर्कल टू पाई आर डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड कैपिटल t तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू सब्स्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा g कैपिटल m अपॉन r इक्वस टू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो यहाँ से अगर हम लोग टी का वैल्यू निकाले तो यह जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ, फोर क्यूब फोर बाय आर क्यूब अपॉन जी कैपिटल एम जी कैपिटल एम तो जी फोर बाय अपॉन जी एम है ये कांस्टेंट एम है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमें मिलेगा टी स्क्वायर जो है ये रेडियस के क्यूब से प्रोपोर्शनल है जो कि हमारा के लॉ ऑफ पीरियड होता है तो so, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक